इंस्टाग्राम में अभी आपका 8 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स है, प्लस यूट्यूब में भी 2 लाख प्लस आपके फॉलोवर्स हो गए हैं। यूट्यूब से अभी कुछ इनकम वगैरह आ रहा है? पर डे इनकम आती है यूट्यूब की इनकम, तो अगर यूट्यूबर है तो उनको पता है थोड़ा छुपा के रखना चाहिए, लेकिन मंथ का ऐसा है कि जो भी अर्निंग होती है मैं सब सेवा में लगा देता हूँ, सारा पैसा मैं गरीबों में दान कर देता हूँ। क्या बात है। मुझे एक औरत जो है वो गाड़ी के आगे जाके कूद गई कि मेरे बच्चे की स्कूल की फीस जमा हो जाए। बच्चा भैया एक थे हमारे जी, तो उनका एक्सीडेंट हो गया, 5 साल एक दर पे तड़पते रहे वो एक घर में, उनको ऑपरेशन कराया, उनको सारी सुविधाएं दी, गाड़ी थी BMW फॉर्च्यूनर। मैं और ये बात बिल्कुल रिकॉर्ड है, अगर मेरा आधार कार्ड का नंबर चेक होगा तो उस पे कम से कम 5 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। क्या तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं बिहार से चल करके कानपुर आए हुए हैं, और कानपुर के एक बहुत ही मशहूर मारूफ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर जिनका नाम दोस्तों जैद हिंदुस्तानी के नाम से, शायद के आपने बहुत सारे रील वगैरह देखे होंगे और यूट्यूब में भी बहुत सारे शॉर्ट वगैरह देखे होंगे। तो आज हम जैद भाई के पास पहुंचे हुए हैं, तो जैद भाई से हम जानेंगे कि उनका नाम क्या है और ये कहाँ के रहने वाले हैं। तो जैद भाई सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। भाई हमारा नाम जैद हिंदुस्तानी है जी, और मेरी पैदाइश कानपुर की ही है जी, लेकिन हमारा गांव जो है वो देवरिया जिला का है। अच्छा अच्छा, आप ये यूट्यूब से पहले और इंस्टाग्राम में जो वीडियो अपलोड कर रहे हैं अभी आपका काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, तो आप इससे पहले मतलब क्या करते थे? इससे पहले अपना लेदर का काम था जी, और बहुत अच्छा काम था लेदर का जी। और जो ख्वाहिश इस वक्त लोग कर रहे हैं कि BMW गाड़ी होनी चाहिए, फॉर्च्यूनर गाड़ी होनी चाहिए जी, वो सब मैं चला कर हटा चुका हूँ। माशाल्लाह। हाँ, ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बाइक भी थी, BMW बाइक भी थी मेरे पास। अच्छा, सब हटा के, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसे हादसे हुए जी जिससे मुझे सेवा की लाइन में आना पड़ा। क्या बात। कि जैसे कि मैं गाड़ियों से जा रहा था, मैं देखता हूँ गरीब किनारे पड़े हुए हैं, बेसहारा हैं, दुखी हैं, परेशान हैं जी, तो इन लोगों की मेरे मन में एक बात आई कि इनकी हेल्प होनी चाहिए, मदद होनी चाहिए जी। जैसे कि बहुत सारी मिसाल है आज भी कि बच्चा भैया एक थे हमारे जी, तो उनका एक्सीडेंट हो गया, 5 साल एक दर पे तड़पते रहे वो एक घर में, उनको ऑपरेशन कराया, उनको सारी सुविधाएं दी, तो इन सब चीजों से जो है बहुत अच्छा लगता है सेवा करके जी। कि सेवा करने के लिए गाड़ी होना, घोड़ा होना और पैसा होना जरूरी नहीं है, हिम्मत होना जरूरी है, दिल होना जरूरी बिल्कुल, है बिल्कुल। तो इसलिए मैं इस काम में आया हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि इस काम को मैं अच्छे से अच्छा करूँ। चलिए, ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा और नेक काम कर रहे हैं वैसे ये काम। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपकी बात रोक कर जी, कि यूट्यूबर तो बहुत बन जाएंगे, बिल्कुल इंस्टाग्राम वाले बहुत बन जाएंगे जी, लेकिन सिर्फ ज्यादातर 80-90% सब लोग पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। और इससे जो भी अर्निंग होती है मैं सब सेवा में लगा देता हूँ, सारा पैसा मैं गरीबों में दान कर देता हूँ। क्या बात है। मुझे पैसा नहीं कमाना है, अगर जिस दिन मैं पैसा कमाने की लालच से आता तो मेरा ना ये नाम बन पाता, ना इतने फॉलोवर, ना सब्सक्राइबर, कुछ ना हो पाते जी। सिर्फ मकसद जो है वह हमारा सेवा करने का है। बिल्कुल सही बात है। बाकी दोस्तों सभी लोगों को पता चल गया कि जैद भाई हमारे के रहने वाले हैं, और ये जो काम अभी आप लोग देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम में इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, जो कि शायद ही मतलब बहुत कम लोग हैं जो कि लोगों का हेल्प करते हैं। यहाँ पे जैद भाई बहुत ज्यादा, आप इनके इंस्टाग्राम को भी चेक कर सकते हैं, इनमें जितनी सारी वीडियो जो पड़ी हुई है ज्यादातर लोगों का हेल्प करते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। बाकी जैद भाई जैसा कि आप बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं, लोग आपको चाहने वाले भी बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो आगे का आपका इरादा क्या है? जैसा कि इंस्टाग्राम से आपको पैसा मिलने लगेगा या फिर यूट्यूब से आपको जो पैसा मिलने लगेगा, आप इसके बारे में क्या सोचे, मतलब क्या करना चाहते हैं इन पैसों? इरादा बस एक ही है हमारा कि कोई भी माँ खुदकुशी ना करे बच्चे को पढ़ाने के लिए। बिल्कुल। अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज आपने देखा होगा जी, एक औरत जो है उसका इंश्योरेंस था, तो वो गाड़ी के आगे जाके कूद गई कि मेरे बच्चे की स्कूल की फीस जमा हो जाए, और अस्पताल के अंदर क्या सुविधाएं मिल रही है गरीब को। हाँ, एक बेचारी बेसहारा औरत जो अपने हस्बैंड का डेथ बॉडी लेट, बेचारी तड़प रही है, रो रही है वहां पे, क्योंकि उसको इलाज नहीं मिला अस्पतालों के अंदर। इन सबसे पहले अगर ये सब पैसा आएगा तो एक अस्पताल बनाऊंगा, माशाल्लाह, एक स्कूल खोलूंगा। क्या बात है। मेरी तो चाहत ये है कि सबका साथ सबका विकास ऐसे ही हो सकता है कि अच्छी शिक्षा और अच्छा इलाज। बिल्कुल। सबसे पहले इन दो कामों में मैं काम करूंगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जैद भाई का जो नियत है, इनका इरादा है, बहुत ही बढ़िया है। शायद कि आज के डेट में जो भी यूट्यूबर यूट्यूब में आते हैं सब लोग पैसे कमाने के लिए आते हैं,
जैसा कि आप सभी लोगों को पता है इंस्टाग्राम में कोई वीडियो बनाता है वो भी सोचता है कि भाई हम जल्दी से जल्दी फेमस हो जाए और हम बहुत ज्यादा पैसे कमाए। लेकिन जैद भाई तो पैसे कमा रहे हैं लेकिन उन पैसों को सही चीज में उपयोग करने का सोच रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। तो जैद भाई एक और लास्ट सवाल है आपसे, जैसे कि इंस्टाग्राम में अभी आपका 8 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स है, प्लस यूट्यूब में भी 2 लाख प्लस आपके फॉलोवर्स हो गए हैं, तो क्या आपका यूट्यूब से अभी कुछ इनकम वगैरह आ रहा है या पर डे इनकम आती है? यूट्यूब की इनकम तो अगर यूट्यूबर है तो उनको पता है थोड़ा छुपा के रखना चाहिए, लेकिन मंथ का ऐसा है कि एक कार आ सकती है, छोटी गाड़ी आ सकती है आराम से। क्या बात है। तो दोस्तों आप लोग सोच सकते हो भाई कि यूट्यूब से जैद भाई इतना कमा सकते हैं, एक कार आसानी से खरीद सकते हैं। बाकी आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एक जो यूट्यूबर होते हैं उनका इनकम कितना होता है, ठीक है। बाकी अगर आप सब लोग भी जैद भाई से मिलना चाहते हैं या फिर अगर आप इनको नहीं जानते हैं तो आप इनके इंस्टाग्राम आईडी को भी फॉलो कर लीजिए। बाकी आप लोग अगर जैद भाई के जरिए से आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग मुझे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताता हूं कि यूट्यूब से पैसा कैसे आता है, इंस्टाग्राम से पैसे कैसे आता है, फेसबुक से पैसे कैसे आता है। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं कि यूट्यूब में लोग क्यों आते हैं, पैसा कमाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरे पास गाड़ी थी BMW फॉर्चुनर, और ये बात बिल्कुल रिकॉर्ड है, अगर मेरा आधार कार्ड का नंबर चेक होगा तो उस पे कम से कम 5 गाड़ियां रजिस्टर्ड हैं। क्या बात है। लेकिन मैं उन सभी गाड़ियों को हटाकर बेचकर इन काम में आया हूँ और सिर्फ सेवा के लिए ही आया हूँ। जो भी आता है मोस्ट वेलकम, मैं उससे मिलता हूँ, बहुत प्यार देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि अगर कोई परेशानी में हो तो उसकी परेशानी सबसे पहले देखी जाए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मुझे उम्मीद नहीं था कि मतलब जैद भाई शायद हमसे मिलेंगे। मैं बिहार किशनगंज से चल के आया हूँ जैद भाई से मिलने के लिए, ठीक है, और स्पेशली बिहार वालों के लिए मुझे बहुत प्यार है। चलिए शुक्रिया। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर यूट्यूबर आते हैं तो बिहार से ही आते हैं। जी जी ज्यादातर। तो जैद भाई के पास हम आए और जैद भाई बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही आराम से हमको बैठाया, बातचीत किए और काफी आराम से जैद भाई बोले ठीक है भाई इतने दूर से आए हो तो पॉडकास्ट वीडियो शूट कर लो। बाकी अगर आप लोग भी जैद भाई से मिलना चाहते हो तो आप लोग आ सकते हो, जैद भाई हर किसी से मिल लेते हैं। दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये भाई आए हैं बिहार से चल के आए हैं और बहुत टाइम लगता है, बहुत मतलब वक्त लगता है, पैसा लगता है, तो बिहार से आना बहुत बड़ी बात है, तो भाई को सपोर्ट करें। टेक्निकल से दोस्ती इनका चैनल है भाई का, सबसे ज्यादा भाई को सपोर्ट करें आप लोग, ठीक है। 24 घंटे लग गए वहां, 24 घंटे लगे हैं भाई को आने में, ट्रेन लेट भी हो गई है जी। लेकिन स्पेशली ये हमसे मिलने आए और हमारे यहाँ रुकेंगे भाई, तो आप लोग भाई को जितना हो सके ज्यादा सपोर्ट करो, क्योंकि सपोर्ट करने में टाइम ही लगता है, बस एक क्लिक करना है आपको भाई का सपोर्ट हो जाएगा। शुक्रिया। लेकिन भाई ने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से भाई आए हुए हैं और रमजान है, रोजा भी होंगे जी, बिल्कुल रोजे से हैं। ठीक ठीक, अगर रोजा ना होते तो पूरी खातिरदारी की जाती। नहीं नहीं शुक्रिया, बस आप इतना हमको बैठाए बगल में, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बाकी दोस्तों आप लोग जैद भाई को जानते हैं, कोई भी आए मोस्ट वेलकम, ऐसा नहीं है कि कोई आएगा तो जो है वापस हो जाएगा। कोई भी यूट्यूबर कहीं से आना चाहता है बिल्कुल आए, बिल्कुल मिले, बात करेंगे और एक दूसरे से अपना दुख दर्द जो भी होगा शेयर करेंगे, बांटेंगे इसकी उसको। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ एक और धमाकेदार पॉडकास्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए दोस्तों लव यू गाइस, अल्लाह हाफिज। बाकी जैद भाई ठीक है दोस्तों, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। चैनल को ज्यादा सपोर्ट करें।